Arjun tells Kashvi that someone is trying to trap him. Kashvi should quickly go and check the CCTV footage so that Kashvi knows that Arjun is telling the truth. Aditya ko smile karta dekh Mahima Aditya se sawal karti hai ki tumne hi kiya hai na ye sab. Tab Aditya kehta hai ki wo aise plan nahi karta. Ha wo chahta hai ki Arjun ke sath bura ho par ye plans uske nahi hai. Jab Mahima Aditya se kehti hai ki ye sab hone ke baad bhi Kashvi ka Arjun par trust ab bhi hai. Kashvi Arjun ko is sab musibat se bahar nikal hi legi. Then Aditya plans to keep Kashvi away from all this. Mahima warns Aditya that she hates Kashvi par agar Arjun guilty proof ho gaya to uski life फेल बन जाएगी, इसलिए आदित्य ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे अर्जुन जेल से बाहर ना आ पाए, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ काश्वी ही है जो अर्जुन को वापस ला सकती है। आदित्य की बातें सुनकर और डीएनए मैच रिपोर्ट देखकर काश्वी अर्जुन पर बहुत गुस्सा हो जाती है और अर्जुन से जब उस सीसीटीवी के बारे में सवाल करती है तो काश्वी को आदित्य की कई बातें सही लगने लगती है। काश्वी कुछ ऐसी बातें अर्जुन से कह देती है कि अर्जुन का हार्ट ब्रोक हो जाता है। उसमें काश्वी विशाल और उसके फ्रेंड की अर्जुन और आदित्य को लेकर बातें और दोनों की लाइफ फेल करने के पीछे काश्वी का हाथ है, ये सुनकर काश्वी उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती। आदित्य महिमा की बातें सुनकर भी अनसुना कर देता है। बाद में काश्वी को मोंटी और ईशा की शादी में फोटोग्राफर मिल जाता है जिसके पास शादी के भी फोटो होते हैं। वो देखकर काश्वी को पता चलता है कि विशाल वो शादी में आया था। रोमिला ईशा की बातें सुनकर शादी के दिन जब वो कहती है कि मोंटी तुम श्योर हो कि तुम्हें ये शादी करनी है और तुम्हारी माँ को भी ये शादी पसंद नहीं है, सो रोमिला कम्स फॉरवर्ड एंड टेक्स काश्वी साइड एंड टेल्स ईशा दैट शी अपोलोजाइजेस फॉर व्हाट शी सेड ड्यूरिंग द मैरिज एंड दैट शी इज हैप्पी विद दिस मैरिज। काश्वी शादी में कौन आया था जब वो अर्जुन से शेयर करती है तो अर्जुन याद करता है कि उनमें ऑफिस में क्या हुआ था। तब क्या वो ऑफिस में ही था? अर्जुन देन स्टार्ट्स थिंकिंग दैट यस ही कैन डू ऑल दिस टू टेक रिवेंज फॉर द ट्रैप ऑफ बोथ काश्वी एंड अर्जुन। लेटर आदित्य जॉइंस काश्वी मिशन और काश्वी विशाल के पीछे तक जाती है। वहाँ विशाल डॉक्टर को रिपोर्ट चेंज करने के लिए पैसे दे रहा होता है। इस सब से आदित्य और काश्वी को पता चलता है कि विशाल ने ही अर्जुन को फंसाने के लिए यह सब किया है। पर जब विशाल ऑफिस में नहीं था तब क्या और किसने फंसाया होगा अर्जुन को? आदित्य ये जानता है कि उसे क्या करना है अगर अर्जुन जेल से रिहा हो गया तो, इसलिए तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि काश्वी जो सोच रही है वो उसे भटका दे। काश्वी विशाल और उसके फ्रेंड पर शक करने लगती है थिंकिंग दैट अर्जुन इज इनोसेंट। काश्वी अपने पास्ट लाइफ डेथ को याद करती है जिसमें अर्जुन उसके साथ था, बल्कि शादी के बाद भी अर्जुन कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। और फोटोज में क्लू मिल जाने पर काश्वी ईशा को उसके शादी का गिफ्ट देने के लिए रियल कल्प्रिट को ढूंढने का वादा करती है। अब तो बस देखना तो ये होगा कि क्या ईशा जान पाएगी उसके साथ गलत किसने किया है, क्या विशाल ने ही अर्जुन से रिवेंज लेने के लिए ये सब किया है या फिर काश्वी गलत सोच रही है। विल आदित्य बी एबल टू फॉइल काश्वी प्लान और विल काश्वी अर्जुन विन दिस टाइम ऑल्सो? देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।